जिंदगी है तो अप्स एंड डाउन्स भी हैं, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी हमारे पास पैसे होते हैं और कभी नहीं होते। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन का सहारा लेते हैं। भले ही हम लोन काफी सोच समझ कर लेते हों, लेकिन बावजूद इसके हम लोन चुका नहीं पाते और ऐसे में हम कर्ज के बोझ तले डूबते चले जाते हैं। पूरा लोन तो छोड़िए, हम ईएमआई भरने की हालत में भी नहीं होते। तो अगर आप भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और लोन को जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं, तो इन बातों को जरूर फॉलो करें। आज के समय में कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक या कई फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते हैं। हम ध्यान से लोन लेते हैं, लेकिन कई बार हम उसे चुका नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपने जो कर्ज लिया है वो बढ़ रहा है और आपको अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में हम आज आपको कुछ आसान लोन के टिप्स बताएंगे, जिससे आप जल्द से जल्द इस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। घर के पुराने सामान को बेच दें। अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा सामान हो जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आपको उन सभी सामानों की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर पे कंप्यूटर है जो एक साल से बंद है। आप अपना सारा काम लैपटॉप से करते हैं, तो आप बंद पड़े इस कंप्यूटर को बेच सकते हैं। आज के टाइम में कई वेबसाइट्स हैं जहां आप इन सामानों को बेच सकते हैं। सेविंग्स को निकाल लें। हम सभी अपनी जमा पूंजी को किसी न किसी स्कीम में जमा करते हैं। कभी हम प्लॉट खरीदते हैं या फिर बैंक में एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आप पर ईएमआई बढ़ रही है और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत के समय में सेविंग्स काफी मददगार साबित होती हैं। आप अपने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों से उधार ले सकते हैं। इस तरीके से आप कर्ज को चुटकी में चुका सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ बैंक के लोन से मुक्त हो पाएंगे। आपको वो उधार भी चुकाना पड़ेगा जो आपने दोस्तों से लिया है। आप जब उधार लें तो अपने दोस्त या फिर रिश्तेदार को भरोसा दिलाएं कि आप उन्हें पैसा कब वापस करेंगे। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 50,000 रुपए उधार लिए हैं और बोला है कि दिसंबर में लौटा देंगे, तो आपको उस समय तक वो पैसा बिल्कुल लौटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगली बार वो शायद आपकी मदद भी ना करें। सैलरी बढ़ने पर ईएमआई को बढ़ा दें। हर साल आपकी सैलरी में कुछ राशि जरूर बढ़ती है। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि जिस महीने आपकी सैलरी बढ़ जाए, उसके अगले महीने से आप अपनी ईएमआई को बढ़ा दें। ऐसे में आप जल्द से जल्द इस कर्ज से छुटकारा पा लेंगे और आपका लोन 5 की जगह 3 साल में भी खत्म हो सकता है। अगर आपने 1 की जगह 2 लोन लिए हैं, तब आपको पूरा हिसाब करने के बाद ही लोन की ईएमआई बढ़ानी चाहिए। पहले वाला लोन चुकाएं। अगर आपने 2 से 3 लोन ले रखे हैं, तो आपको पहले वो लोन चुकाना चाहिए जिसमें आप ज्यादा ईएमआई दे रहे हैं। ज्यादा ब्याज दर वाले लोन को चुकाने के बाद आप कर्ज के दबाव से बच जाएंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको ईएमआई के अनुसार ही लोन चुकाना चाहिए। तो अगर इस तरह से आप इन छोटी छोटी जरूरी बातों को फॉलो करेंगे, तो आप अपना लोन बिना किसी टेंशन के चुका सकेंगे।